hello dear students here i am vijay raj i welcome you all on this beautiful channel whole musty head whatever ways you all have been attached with this beautiful channel i appreciate you all in today's video we will talk about the case number 30 of integration without any kind of delay let's get started this video but stay for some moment life gives us exactly whatever you have given to your life so my friend don't wait to give to you from the life you had to give first of all to your life the more you will give initially to your life exactly eventually you will get from your life so my friend don't focus don't focus on asking uh, asking your life you have to focus on giving your life that exactly you will give to your life with interest you will find from your

केस नंबर जो थर्टी है स्पेशली बेस है किस पे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्सल फ्रैक्शन आपसे एक रिकमेंड है एक सिफारिश है कि अगर आपने जो हमने वीडियो पार्सल फ्रैक्शन के ऊपर आंशिक भिन्नों के ऊपर बनाई थी जो कि केस नंबर ट्वेंटी नाइन था अगर उसको नहीं देखा तो देख लो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है तब ये यहाँ पे आओगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा चलो शुरुआत करते हैं ये क्या कहता है केस नंबर थर्टी तो हमने आपको बताया था कि अगर समाकलन की बात करें तो जैसे हमारे पास दो रैखिक समीकरण जिसकी घात एक होती है जैसे x प्लस ए वन और ये हमारे पास लिखा है x प्लस टू अगर ये हमारे पास अंश का भाग है देखो ये ऊपर है ना अंश का भाग है तो इसको लगाना तो बड़ा आसान है ब्रेकट को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो उसके बाद सबके साथ में इंटीग्रेशन चिन्ह इंटीग्रेशन का चिन्ह और डी लगा के हल कर लो लेकिन लेकिन जब यही मान हमारे पास कहाँ आ जाए नीचे आ जाए हर बन जाए x प्लस वन और क्या बन जाए x प्लस टू बन जाए या फिर होल स्क्वायर बन जाए या फिर ऐसे सिस्टम तो इनको कैसे लगाएं तो इनको कैसे लगाएं फिर से वही सिफारिश है कि ये सब बातें कहाँ से आई क्यों हम लोग कर रहे हैं ये सारी बातें केस नंबर ट्वेंटी नाइन हम आपको बता चुके हैं वहाँ पर विजिट कर लोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही तब हम केस को यहाँ से थर्टी नंबर केस लेके चल रहे हैं बहुत बढ़िया भाई डस्टर का हो गया बहुत इसको मिटा देते हैं 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 कहानी चालू करते चलो चलो देखते पहला पहला सवाल लेते हैं। चलो, पहला सवाल लेते हमारे पास, क्या है? लिखा हमारे पास थ्री एक्स, और यहाँ लिखा, लिखा एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे लगा डी एक्स अब इसको हमें कैसे लगाएंगे पार्शियल से लगाएंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंशिक भिन्न के द्वारा क्या लिखना पड़ेगा आंशिक भिन्न के द्वारा अब ये सब क्या हो रहा है भैया फिर से वही कहानी है हम आपको बता चुके हैं अब ये सब कहाँ से, तो से हो रहा है अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो कहाँ से हो रहा है बहुत बढ़िया लाइट जा चुकी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी कम होगी लेकिन बनाते रहेंगे तो आंसिक भिन्नों के द्वारा क्या होता है आंशी भिन्न पहले यहाँ पर जो भी लिखा उसको लिख लो कितना लिखा हमारे पास थ्री एक्स अपान एक्स माइनस वन और यहाँ पर लिखा है एक्स माइनस टू यहाँ पर लिखा हमारे पास एक्स प्लस थ्री लिख लिया अब आंसी बिन क्या कहता है आंसी बिन ये कहता है कि यहां पे जो तीन हमारे पास अलग अलग रैखिक समीकरण हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी के नीचे डाल दो तो एक नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन आ जाएगा और बी नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस टू आ जाएगा और सी नीचे आगे आएगा एक्स माइनस थ्री उसके बाद क्या करना है इसको हल कर लेना है हल कर लिया जाता है कर लेते हैं तो इसको कितना हो जाएगा एल्सियम ले लेते हैं यहाँ पर एल्सियम कैसे लेंगे देखो दर हमारे पास एल्शियम कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन और हमारे पास एक्स माइनस टू उसके बाद एक्स माइनस थ्री एल्सियम आ गया इसको इससे डिवाइड करें ये तो खत्म हो जाएगा क्या बचेगा ये बचेगा किसके साथ में एक के साथ में तो बन जाएगा एक्स माइनस टू एक के नीचे x माइनस वन है तो जब एल्शियम लेंगे तो इसको इसे क्या करते हैं भाग करते हैं तो भाग लेने में खत्म हो जाएगा जो भी बचता उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा ना तो इसको क्या करें ऊपर से मल्टीप्लाई तो x माइनस टू और x माइनस थ्री को हमने क्या किया ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस फिर से क्या करेंगे इससे हम लोग क्या करेंगे इस पूरी चीज़ को भाग करेंगे मतलब कि ऐसे एक्स माइनस से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना ये तो कैंसिल हो गया कैंसिल जाने के बाद क्या बचेगा ये बचेगा ये बचेगा और जो भी बचता उसको बी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी हमने क्या किया इसको इससे कौन कौन से भी था तो एक्स माइनस वन और यहाँ पे एक्स माइनस तीन हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया बहुत बढ़िया उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्लस सी यहाँ पे लिख देते हैं जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस सी प्लस सी में क्या होगा अच्छा अभी नहीं लिखते हैं प्लस लगा प्लस लगा लेते हैं अब की बात इस पूरी चीज़ को एक्स माइनस तीन के साथ में करेंगे तो खत्म हो जाएगा ये बचे किसके साथ में सी के साथ में सी हमारे पास एक्स माइनस को वन ये हमारे पास आ जाएगा तीन खत्म हो जाए आ जाएगा एक्स माइनस का टू आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई और ये हमारे पास नीचे पूरे एक बट्टे में ये लिखा है इधर के तहत हमारे पास थ्री एक्स अपान के तहत हमारे पास एक्स माइनस का वन और हमारे पास एक्स माइनस टू और हमारे पास था एक्स माइनस थ्री हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि बराबर के पहले हर में जितना चीज़ लिखा है अगर वही चीज़ बराबर के इधर राइट हैंड साइड में बराबर दी जाए तो कट के वन बन जाता है तो ये पूरी चीज़ ये पूरी चीज़ कट जाएगी वन बन जाएगी और वन कभी लिखा नहीं जाता तो हो जाएगा हमारे पास 3x एक्स इक्वल टू ऊपर कितना बचा हमारे पास ए एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री बचा प्लस b बचा हमारे पास x माइनस का वन बचा और x माइनस का तीन बचा प्लस का c यहां पे लिख लेते हैं प्लस हमारे पास क्या बचा प्लस c ये भी तो था ना साथ में जगह नहीं थी नीचे लिखे थे एक्स माइनस वन और यहाँ कितना एक्स माइनस टू आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया शायद नीचे ना आ रहा होगा इसीलिए क्या करते हैं थोड़ा साइड में लिख लेते हैं अच्छा अब इसको हमें हल करना है और हल करने के बाद क्या करना है इसमें से हमें ए बी सी कमान चाहिए क्या चाहिए ए बी सी कमान चाहिए कैसे निकालेंगे देखो धर ए बी सी कमान निकालने का सबसे सब बेस्ट तरीका क्या है सबसे बेस्ट तरीका यह है एक मिनट भाई सबसे बेस्ट तरीका ये है ये भैया यहाँ पे आ जाओ आप जय ये आ गया सबसे हिल क्या ठीक थीन। ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है सबसे बेस्ट तरीका ये है अगर हमें एबीसी का मान निकालना है तो यहाँ पे यहाँ पे तीन पद टोटल है पहला ये पद है दूसरा ये पद है तीसरा ये पद है तो प्रत्येक पद में

दो से लिखते नहीं फिर नहीं। से नहीं आएगा उधर तो हमने लिख लिया पे तीन और मल्टीप्लाई में लिख लिया दो और यहाँ पे लगाता था बराबर नहीं आ रहा ये हमारे पास तीन लिखा हमने मल्टीप्लाई में दो लिख लिया ठीक है ना उसके बाद हमारे पास बराबर था हमने बराबर लिखा ए था हमने ए लगा लिया बहुत बढ़िया अब यहां से दे देखो उधर ध्यान देखो सब लोग तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ x बराबर दो है तो अगर x बराबर दो लिखेंगे कितना हो जाएगा प्लस का दो माइनस का दो जीरो हो जाएगा जीरो को वन में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो अब ब्रेकट में यहाँ पे x माइनस तीन लिखा है यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे जो आए लेकिन जीरो के मल्टीप्लाई में लिखा तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा जीरो पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे सीधा जीरो लिखते हैं इसको हटाते हैं यहां पर लिख लिया जीरो लिख लिया बहुत बढ़िया प्लस बी लिखा था बी लिखा वहाँ पे एक्स बराबर दो है तो दो माइनस का वन लिख दिया उसके बाद दो माइनस का तीन लिख दिया अच्छा यहाँ पे फिर से देखो भाई वही कहानी चालू होगी यहाँ पे x का मान जब दो रखोगे तो यहां प्लस का दो माइनस का जो जीरो बन जाएगा उसके बाद जीरो में ये चीज क्या है मल्टीप्लाई में अब मेंल्टीप्लाई दो करो या हंड्रेड मल्टीप्लाई जीरो करो मान तो जीरो ही आने वाला है तो अगर ये मान जीरो इसके में जीरो कितना आ गया हमारे पास जीरो आ गया बहुत बढ़िया अब कैसे करेंगे तो तीन दो नीचे हो जाएगा बराबर जीरो जीरो काम खत्म हो गया तो हमारे पास बी दो में से एक गया एक बचेगा एक लिखने का आवश्यकता नहीं और यहाँ पे कितना हो जाएगा तीन में से दो जाएगा तो माइनस का वन बचेगा तो यहाँ पे लिख माइनस वन तो b बराबर हो जाएगा हमारे पास इस माइनस वन को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब कि माइनस सीधा चला जाएगा वन तो कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा माइनस का सिक्स कितना आ गया माइनस का सिक्स आ गया एक मान निकल आया दो मान और बचे कौन कौन सा a और c अब इसमें एक मान ऐसा देखो जिस पर कोई जीरो हो जाए तो देखो ध्यान से अगर हम लोग क्या करें अब की बार क्या करें एक्स का मान कितना ले ले तीन ले, ले। देखो इधर अगर एक्स कमान तीन लोगो तो ये पूरा बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो कि क्या करेंगे एक्स बराबर कितना लेकिन तीन लेंगे लेकिन जो एक्स कमान लेंगे देखते हुए इसको लेते हैं लेकिन रखना पूरे में पड़ता है तो रख लेते हैं तो दूसरा पहला मान यहाँ पर निकला है दूसरा यहाँ निकाल लेते हैं तीन बगल में एक्स लिखा था एक्स मान कितना है तीन है हमने यहाँ पर लिख लिया तीन क्या लिख लिया तीन ये बराबर उसके बाद क्या करेंगे सब में तीन रखते चले जाएंगे अब देखो ध्यान से फिर से यहाँ पे देखो सर अगर इसमें तीन रखेंगे तो प्लस का तीन माइनस का तीन ये पूरा जीरो हो जाएगा जीरो के इसमें मल्टीप्लाई करो ये भी पूरी तो जीरो हो जाएगी तो मतलब कि यहाँ पे जीरो आएगा हमने यहाँ पर लिख लिया जीरो लिख लिया आगे बढ़ते हैं यहाँ देखो ध्यान से माइनस का तीन पहले से था ऑलरेडी प्लस का तीन तुम रखोगे तो प्लस का तीन माइनस तीन जीरो हो जाएगा और ये चीजें मल्टीप्लाई में तो जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी हो जीरो बन जाए ये भी कितना बन जाएगा जीरो हमने यहाँ पे जीरो लिख लिया डायरेक्टली उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तीन रखना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास सी और एक्स माइनस वन एक्स मान कितना है तीन माइनस को वन लिख लिया और एक्स मान कितना है एक्स माइनस टू है तो तीन माइनस का टू लिख लिया इसको हल कर लेते हैं तो तीन तिरका नौ इक्वल टू जीरो लिखेंगे नहीं तीन में से दो गया, एक गया दो बचेगा तो हमने यहाँ तीन और यहाँ पे लिख जाएगा दो गुड़े में है और तीन में से दो गया कितना बचेगा वन तो कितना हो जाएगा हमारे पास नौ यहाँ हो जाएगा टू सी और हमारे पास सी बराबर कितना हो जाएगा नाइन बाय टू कितना हो जाएगा नाइन बाय टू सी कमान निकल आया अब कुछ नहीं करना लास्ट काम बचा है केवल डी कमान निकाला सॉरी बी निकल आया सी निकल आया केवल ए कमान निकाल लेते हैं फिर से वही दिमाग लगाना है देखो धर अब क्या करना है हमें किसका मान चाहिए भैया एक अमान चाहिए मतलब कि एक अमान चाहिए अब क्या करते हैं आप क्या करते हैं देखो ध्यान से अगर यहां पे दिमाग लगाना होता है कि कैसे अगर एक मान निकालना है तो इन जीरो इन दोनों मान को ए और सी वाले मान को जीरो करना है तो यह काम करते हैं ध्यान देखो तो अगर एक बराबर हम लोग क्या रखते हैं प्लस कॉमन रखते हैं कितना प्लस कॉमन तो प्लस कॉमन वन यहां पर रखेंगे तो माइनस कॉमन ऑलरेडी है प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसमें जीरो मल्टीप्लाई काम खत्म हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे माइनस वन यहां पे प्लस वन रखोगे अगर एक समान तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा इन दोनों जीरो हो जाएंगे तो हमारे पास आगे किताब अच्छा लिख लेते हैं तो यहां पर बचेगा तीन और वन रखोगे तो ये कितना हो जाएगा जाएगा तीन गुड़ी वन हो जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास ए वन माइनस टू तो वन माइनस टू लिख लिया और वन माइनस का थ्री लिख लिया ये भी जीरो ये भी जीरो प्लस का जीरो प्लस का जीरो लिख लिया बहुत बढ़िया तो तीन एक कम तीन बराबर माइनस का वन माइनस प्लस का वन माइनस का टू कितना बचेगा माइनस बचेगा तो ए गुड़े बच गया और यहाँ कितना बचेगा माइनस के तीन प्लस का वन घटेगा बचेगा हमारे पास माइनस के दो तो तीन बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और दो एक कम कितना बन जाएगा दो ही बन जाएगा तो यहाँ से हमें एक कमान कितना मिल गया थ्री पहले था इसको इधर डिवाइड कर दोगे भाई गुड़ा मुझे जाएगा भाग में हो जाएगा दो बट्टी तीन आ जाएगा ए बी सी का मान आ गया यहाँ पे निकाल रख दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के आंसर निकाल लो बस निकाल लेते हैं यहाँ तक आ रहा है यहाँ तक चलो यहाँ तक आ रहा तो इसी में ट्राई करते कैसे निकालेंगे देखो उधर इतना मान लिखा था इसको लिखते हैं कितना लिखा था हमारे पास थ्री एक्स लिखा था अपान में एक्स माइनस वन लिखा था ये पूरा मान उतार रहे हैं ठीक है ये मान जाके हम लोग यहाँ पे क्या करें उतारने वाले हैं उसके बाद क्या लिखा था हमारे पास एक्स माइनस टू लिखा था और एक्स माइनस तीन लिखा था है ना बराबर कितना लिखा था हमारे पास ए बी सी में लिखा था तो काम करते हैं ए बी सी के मान भी सी हमें लिख लेते हैं ना लिखा था ए एक मान कितना निकाला हमने दो बट्टे तीन तो हमने यहाँ पे लिख लिया दो बट्टे तीन लिख लिया और नीचे कितना था हमारे पास एक्स माइनस वन था हमने उसको भी लिख लिया प्लस तो बी का मान कितना हमारे पास माइनस का सिक्स तो माइनस का सिक्स जब यहाँ पे रखोगे बी का मान तो माइनस का सिक्स और प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस का सिक्स और नीचे कितना था हमारे पास एक्स माइनस टू था हमने वो भी लिख लिया ठीक है ना प्लस सी का मान कितना हमारे पास सी 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 कहाँ गया भाई सी ये लिखा है नाइन बटी टू तो नाइन बटी हमने टू लिख लिया और नीचे कितना था हमारे पास एक्स माइनस थ्री था वो भी लिख लिया अब कुछ नहीं करना है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो आंसर आ गया इधर भी इंटीग्रेशन इधर लगा दिया, दिया अब आप बताओ भाई हमें क्या करना है हमें इस मान का इंटीग्रेशन निकालना था देखो ध्यान से सवाल क्या था हमारे पास ये देखो था क्या था सवाल थ्री एक्स अपान एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री का डी वही चीज तो आ गया अब ये पूरा मान किसके बराबर इसके बराबर है अब इसका जितना भी आंसर आएगा वो मान इसके बराबर हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा कहने का मतलब

तो इधर भी क्या लगा देंगे इंटेशन लगा दें अब कुछ नहीं बचा बस कहानी बची बस यहाँ क्या लगा लिया इंटेशन लगा लिया यहाँ क्या लगा लिया डी लगा लिया चलो नीचे यहाँ तक आ रहा होगा हाई होफ आ रहा है थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ओके okay, यहां तक आ रहा है भाई पूछना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं यहां तक में आंसर आ भी जाएगा इसको हल कर लेते हैं तीन अपान दो क्या है कांस्टेंट बाहर चला आएगा तो तीन अपान दो बाहर चला गया यहां पे बच्चे का वन और डी इधर ले लेते ले ले हैं डायरेक्टी कर लेते हैं ना तो कितना हमारे पास अच्छा एक काम करते हैं लिख ही लेते हैं तो मिल जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन यहां पे इस डी को अंदर ले लो तो डीएक्स बन जाएगा अपान कितना बच जाएगा एक्स माइनस बन जाएगा ठीक है ना माइनस इस छे को बाहर लेंगे बाहर ले लिया इस इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन इस डी को अंदर लाएंगे तो डी एक्स अपान कितना हमारे पास एक्स माइनस हो जाएगा प्लस का तो प्लस लगाओ 9/2 एक कांस्टेंट है बाहर ले लो इस इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ अंदर ले गए ऊपर बचेगा हमारे पास dx नीचे कितना बचेगा x 3 बचेगा अब कुछ नहीं बस आंसर निकालो हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है ना फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं अच्छा ये जिसका भी मान आएगा जितना भी मान है वो किसका होगा इसका होगा क्योंकि इसके बराबर ही पूरा मान है अच्छा तो 3/2 ये dx x 1 है इसको अगर x मान लेंगे कितना बन जाएगा 1/x 1/x कितना होता है log x तो ये हमारे पास हो जाएगा लाग ये थ्री पॉइंट टू बाहर था ना इसका हाँ ये हो जाएगा हमारे पास लाग और हमारे पास हो जाएगा एक्स एक्स कितना है एक्स माइनस वन है सिमिलरली हमारे पास माइनस का सिक्स ये वन अपान एक्स लाग एक्स हो जाएगा तो लाग एक्स माइनस टू हो जाएगा हमारे पास ये फिर से वही काम हो जाएगा नौ अपान दो था हमारे पास ये कितना हो जाएगा वन अपान के नीचे ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास लाग एक्स माइनस थ्री और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया आगे हमारे पास आंसर आ गया तो कहने का मतलब फिर से समझ लेते हैं कहने मतलब क्या निकला अच्छा ये कमान किसका है भैया ये इसके बराबर था ना तो इसका भी मान होगा ये मतलब कि जो हमारे पास सवाल था वो इसके बराबर था तो जो इसका मान होगा वही हमारे सवाल का मान आ गया तो कहने का मतलब कि आंशिक भिन्न में, में क्या सोचना होता है आंशिक भिन्न में ये सोचना होता है कि पहले जो भी नीचे कंडीशन दी गई होती है उसे आंशिक भिन्न के नियम से ब्रेक कर लेते हैं तोड़ लेते हैं तोड़ने के बाद ए बी सी का मान निकाल लेते हैं ए बी सी मान निकालने के बाद वहाँ पर रख देते हैं इसी वाले कंडीशन में और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के इसका आंसर निकाल लेते हैं या जितना भी मान आएगा वो हमारे पास इसके बराबर है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये बात बता चल गई होगी इस सवाल को ध्यान से लिखो और एबीसी के मान कैसे निकल जाते हैं फिर से सुनो कैसे निकालते हैं जैसे हमारे पास ये समीकरण आ गया हमें क्या सोचना होता है हमें ये सोचना होता है कि तीनों में ABC लिखा है बहुत बढ़िया अभी एक पद ये है दूसरा पद ये तीसरा पद ये है हमें क्या करना होता है इसमें से x के वे मान देखने होते हैं जिस पर कोई एक पद जीरो हो जाए जैसे हमने यहाँ पे x बराबर दो रखा था अब अगर x बराबर दो रखोगे तो एक पद जीरो हो जाएगा हो सकता दो भी हो जाए लेकिन एक को ध्यान में रखो दूसरा हो सकता है जीरो हो ही जाए लेकिन ध्यान एक भी एक ही रखना पड़ता है अगर एक्स बराबर दो इसमें रखोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा अच्छा कंडीशन बस संयोग से यहां पे ये भी जीरो हो जाए क्योंकि यहां भी दो ही है ना तो मतलब कि जैसे हमने एक्स बराबर दो रखा तो ये भी जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया इसको हल करके भाई बी ही केवल बचा तो बी का मान यहां से निकाल लिया अब एक्स बराबर तीन रखा पूरे में एक्स बराबर तीन तो यहां पे रखें ये भी जीरो हो जाएगा दिमाग लगाए हमने क्योंकि इसको जीरो करना था ये भी जीरो हो गया ये मान निकाल लिया एक्स बराबर वन रखा जैसे वन रखा तो इसमें वन है तो ये जीरो हो जाएगा इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया अच्छा ये भी जीरो हो जाएगा इसको कैलकुलेट करके ए लगा था इसमें ए का मान निकाल लिया ए बी से मान निकालने के बाद यहाँ पे रख के आंसर निकाल लिया आई होप आपकी सवाल समझ में आ गया होगा

टू एक्स अपान का लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वन और यहां पे लिखा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू और यहां पे लगा लग था डीएक्स एक काम करो ना यार क्या इस एक्स स्क्वायर को कितना मान लो टी मान लो तो एक्स स्क्वायर कितना मान लिया टी मान लिया मानेंगे इस चीज क्या निकालते हैं डी बाई डी एस निकालते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डी बाई डी एस टी हो जाएगा एक्स की पावर एन क्या होता है एन मतलब कि दो x की पावर n 1 उधर हो जाएगा dt पान का dx हो जाएगा तो दो में से एक गया एक बचेगा कोई मतलब ही नहीं तो 2x इसको इधर मल्टीप्लाई इधर गुले भाग में इधर आएगा तो दुगुले में इक्वल टू कितना जगह हमारे पास dt बस सारी मान लगा के रख दो आंसर निकल आएगा चलो तो 2x dx 2x dx कितना कि हमारे पास dt हमने dt लिख लिया और यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास टी हमने यहाँ पे टी लिख लिया और उसके बाद प्लस वन लिखा तो हमने प्लस का वन लिख लिया उसके बाद एक्स कितना हमारे पास टी हमने यहां पे टी लिख लिया उसके बाद प्लस का था हमने यहाँ पे कितना लिख लिया प्लस का टू लिख लिया ये हमारे पास क्या है टी है अब फिर से वही कहानी आ गई एक ब्रेकेट हमारे पास ये रेखे समीकरण का एक ब्रेकेट हमारे पास ये है किस कैसे करेंगे फिर से हम लोग इसको कैसे करेंगे इसको ऐसे कर लेंगे भैया यहाँ पे वन मान लो वन पैन टी प्लस वन स्वाहा और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस टू बराबर एक बार हम लोग एक नीचे इसको लिखेंगे क्या टी प्लस वन लिखेंगे दूसरी बात हम लोग क्या लिखेंगे इसको बी के नीचे क्या लिखेंगे टी प्लस टू आगे आप क्या करना है आप आगे आपको क्या करना है आप सभी लोग जानते हैं उसके बाद abc बी सी निकाल के यहाँ पे रख के आंसर निकाल लोगे इतना नोट कर लो आगे बता चुके कैसा होगा आप लोग कर लोगे बहुत बढ़िया स्वाहा उसके बाद भैया हमारा दस्तरवा का भैया ये रखा है भैया इसको भी समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे बहुत बढ़िया अगला एक और बता देते हैं और आगे आप करोगे देखो ध्यान से हमारे पास ये तीसरा सवाल देखो कैसा है हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स माइनस का टू और यहाँ पे लिखा था हमारे पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का डेक्स देखो सर यहाँ पे घात तो वन है लेकिन यहाँ पे घात दो है तो इसको कैसे आंसर भिन्न तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे एक्स अपान एक्स माइनस का टू है ना और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर जो कैसे तोड़ेंगे पहला हमारे पास रैखिक समीकरण क्योंकि x की पावर वन है रैखिक समीकरण को कैसे लिखते है? हैं वन के नीचे लिखते हैं सॉरी एक नीचे तो एक नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस का टू उसके बाद जो पावर वन है ये धीरे धीरे और वोही क्रम में बढ़ती जाएगी मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम बढ़ती जाएगी पहला जो होगा बी के नीचे आएगा कितना एक्स माइनस वन और हमारे पास दो घात में पहले कौन को घात कौन आएगी एक अगर कुछ लोग बोलेंगे जीरो छू जीरो ले लोगे तो पूरा वन हो जाएगा एक्स माइनस वन की पावर जीरो कितना हो जाता है वन हो जाता है कोई मतलब भी नहीं निकलेगा तो वन से स्टार्ट करते ठीक है ना तो नहीं वन ले लिया उसके बाद टू है तो यहाँ पे ले लेंगे सीख नीचे ले उसको ले लेंगे तो एक्स माइनस वन की पावर कितना लेंगे टू ले लेंगे बस हम आगे बहुत बढ़िया अब कुछ भी नहीं करना है इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद ए बी सी कमान रखना है ए बी सी कमान रखने के बाद इसके एंटी से निकाल लेना है थोड़ा सा कर देते हैं तो एक्स हमारे पास उसके बाद एल्शियम कैसे लेंगे वो देख लेते हैं देखो एक एल्शियम कैसे लेंगे एल्शियम कैसे लेंगे हमारे पास x माइनस का टू हो जाएगा अच्छा ध्यान दो यहाँ पे एक ब्रेकेट में x माइनस वन है दूसरे ब्रेकेट में x माइनस का होल स्क्वायर है जब इसका एल्शियम लेंगे तो समान चीज़ें कट जाती हैं तो ये तो कट ही जाएगा एक कट जाएगा अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इसको एक्स माइनस का वन और यहाँ पे एक्स माइनस का वन लिख सकते हैं आप लोग बताओ ठीक ना तो ये वाला तो इसी में चला गया ना ये जो एक्स माइनस वन है तो इसी में चला गया ना तो केवल इतना बचेगा कितना बचेगा हमारे पास एक्स माइनस का वन बचेगा और कितना बचेगा एक्स माइनस वन बचेगा चलो यहाँ पे एक नीचे कितना लिखा एक्स माइनस टू जब एल्शियम लेंगे तो मतलब क्या होता है जो नीचे लिखा होता है उसको हर से भाग करना होता है जब इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड को ये तो खत्म हो जाएगा ये दोनों ब्रेकट मान बचेंगे तो ए अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है कैसे इन दोनों मान को हम लोग देखो तो कैसे लिख सकते हैं ऐसे तो हमने लिख लिया यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का बी बी के नीचे हमारे पास एक्स माइनस वन है तो ये एक्स माइनस वन कट गया ये कितना बचेगा हमारे पास दो बचेंगे कौन कौन बचेगा एक्स माइनस टू बचेगा यहाँ कितना बचेगा का एक्स माइनस को वन बचेगा ठीक है प्लस का सी यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करो कितना बन जाता है अभी हमने बताया इसको ऐसे ले सकते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा तो काम खत्म हो गया जब इसको इसे डिवाइड करो ये तो काम खत्म हो जाएगा कितना बचे बचेगा x माइनस टू बचेगा यहाँ पे बच गया हमारे पास x माइनस टू बच गया इसको हटा देते हैं हटा दिया और इधर क्या था हमारे पास इधर तो पूरा बवाल था ही ठीक है ना एक्स माइनस का टू और इधर हमारे पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर तो था ही था बहुत बढ़िया अब क्या करेंगे बस वही पुरानी कहानी है बराबर के इधर और बराबर के इधर हमारे पास हर बराबर जो कट के कितना बन जाएगा वन बन जाएगा तो एक्स बराबर बचेगा हमारे पास ए अब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी सो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन और यहाँ पे प्लस का सी एक्स माइनस का टू अब आगे आप करोगे अब बिल्कुल नहीं बताएंगे क्या करना है पहला पद ये है दूसरा पद ये तीसरा पद ये है इसमें तुमको x के वे मान मतलब कि हेरने हैं सर्च करने हैं जिस पर कोई एक मान जीरो हो जाए जैसे यहां पे देखो सर अगर x बराबर वन रखा जाए तो x बराबर वन रखोग तो यहां पे वन और माइनस का वन जीरो बन जाएगा ये पूरा जीरो हो जाएगा ठीक है ना ये भी पूरा जीरो हो जाएगा यहां पर सीख मान निकाल लोगे ठीक ना ऐसे करते हुए आप निकालोगे बिल्कुल हमने ये आपको ये बता दिया बिल्कुल सेम सिक्वेंस में ये है आप इसको भी कर लोगे आई होप आपकी वीडियो पसंद में आ गई होगी अगला जो वीडियो है हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी द्विघात समीकरण जैसे हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन स्वाहा वन अपान x माइनस वन और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स फाइव एक्स प्लस का सिक्स इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं तो इस प्रकार के अवकलन सॉरी समाकलन सवालों को कैसे लगाते हैं ये भी हमारे पास आंशिक का भाग है इसको कैसे लगाते हैं वो केस हमारे पास थर्टी होगा आई होप आपके वीडियो समझ में आगे हो विश यू ऑल द वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग ओके